वेलकम टू पढ़ रहे आईआईटी जैम। आप सभी स्टूडेंट्स का पढ़ रहे आईआईटी जैम पे स्वागत किया जाता है। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और हम पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, तो उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट में मैंने आपको जो है जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स पढ़ा दी थी, उसके सारे फॉर्मूले ग्राफ सब कुछ हमने डिस्कशन कर लिया था, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे, चार क्लासेस ऑलरेडी केमिकल काइनेटिक्स की हो चुकी है, तो यह हमारी केमिकल काइनेटिक्स की क्लास नंबर 5 है, ठीक है। गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, केमिकल काइनेटिक्स की क्लास नंबर 5 है। तो लास्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि आपको ये होमवर्क है भाई, आप घर से बैठ के इसका आंसर कीजिएगा। तो अगर आपने वो आंसर कर लिया तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं किया तो आइए फिर उसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं कि उसको कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स, उसके फार्मूले, उसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके ग्राफ, वो सब हमने डिस्कस किया था उसी से रिलेटेड। हेलो राहुल, वेलकम। तो चलो यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन था भाई आपका, तो यहाँ पे है आपका Cl2O7 गैस कन्वर्ट हो रही है Cl2O2 में +3/2O2, फॉलो जीरो ऑर्डर, ये बात बता दी गई थी। इन्होंने कहा अगर आपका इनिशियल प्रेशर इतना है और आपका रेट है ये विद रिस्पेक्ट टू Cl2O7 इज दिस, तो सबसे पहले आपको बताना था यहाँ पे रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ O2। आपको क्या बताना था यहाँ पे, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ O2 बताना था कि वो कितना होगा, ठीक है ना जी। यही है। तो अब मुझे ये देखो, यहां से अगर मैं लिखूं तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, क्या मैं यहां से ये बात लिख सकता हूं कि -D Cl2O7/dt -D Cl2O/Ct। क्या मैं इसको, अगर मुझे इस O2 का प्रोडक्शन निकालना है तो किसके इक्वल आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा आपका, है ना। तो यहां पे तो देखो इसका स्टोइकोमेट्री कोफिशिएंट 1 ही है, तो इसलिए, और यहां पे कितना आ जाएगा 3/2, एंड यहां पे लिखेंगे DO2/dt, DO2/dt। अब हमें यह भी पता है कि इसकी वैल्यू आपको 50 गिवन है, इसकी वैल्यू 50 गिवन, और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, DO2/dt की अगर आप बात करोगे तो ये हो जाएगा आपका 50 इंटू में, है ना। 50 इंटू में कितना करना पड़ेगा जी, यहां से इसका 3/2 कर दो अगर ये आपको निकालना है। एक मिनट रुकिएगा भाई, ध्यान से देखते हैं। तो ये जब आप निकालेंगे यहां से DO2 by plus DO2 by, है ना, एक मिनट रुकना भाई, सही लिखा हुआ गया, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ तो ये है, तो यहाँ पे आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये आ जाएगा आपका 100 को डिवाइड कर दिया 3 से, तो ये आपके पास क्या आ जाता है यहाँ पे रेट ऑफ प्रोडक्शन, ये आपका क्या आ जाता है जी यहाँ पे रेट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है 2/3। हाँ रेसिप्रोकल में लिखते हैं भाई यहाँ पे, ये बात बिल्कुल सही कही है, रेसिप्रोकल में लिखते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आंसर ये रॉन्ग आ रहा है। यहाँ पे क्या होता है 1/3/2 लिखेंगे ना, तो वो 2/3 हो जाएगा, ये बात सही है आपकी, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, ये जो 3/2 है ना, ये 3/2 नहीं, यहाँ पे ये 2/3 बनेगा, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे लिखना होता है 1/3/2, और जब देखेंगे तो इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे अगर आपको ये निकालना, तो 50 को डायरेक्ट हम कर देंगे यहाँ से 3 इंटू में 2, इसको यहाँ से देखोगे तो ये आ जाएगा आपका 25, तो ये आपका आएगा जी 75। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ O2 आ जाएगा 75 mm पर सेकेंड आ जाएगा जी, पर सेकेंड, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अब दूसरा आपको यहाँ पे क्या पूछा गया था, दूसरा कि टी हाफ लाइफ निकालना है आपको, क्या निकालना है आपको, टी हाफ लाइफ। तो हमें ये पता है कि हाफ लाइफ का, ये तो पहला था, हाफ लाइफ का फार्मूला क्या होता है भाई आपका, हाफ लाइफ का फार्मूला क्या होता है जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स के लिए, तो वो बताया था A0/2K। अब यहाँ पे A0 तो है नहीं, यहाँ पे P0 है, तो P0/2K कर दें तो क्या आपका आ जाएगा। गुड आफ्टरनून सूर्यांश। तो P0 की वैल्यू कितनी गिवन है जी आपको यहाँ पे 600, P0 कितना है 600, और 2 इंटू में के कहां से लेके आओगे, के आपका रेट कांस्टेंट ही है ना, के जो है ना वो रेट कांस्टेंट है, और आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए कि फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स के लिए जो आपका रेट होता है वो रेट कांस्टेंट के इक्वल ही होता है। अब रेट क्या है जी, तो ये देखो, ये जो है ना ये बेसिकली रेट ही है 50,
है ना, ये क्या आ जाएगा, रेट ही आ जाएगा। तो यहां पे 50 करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो टी हाफ लाइफ आ जाएगा वो आ जाएगा 6 सेकंड। कितना आ जाएगा, 6 सेकंड आ जाएगा। समझ में आई बात। तीसरा जो क्वेश्चन यहां पे पूछा था कि अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा अगर आप इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा अगर आप इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पे, अगर आपने इसकी रिएक्शन है ना इस रिएक्शन की मल्टीप्लाई 2 से की, तो अब यहाँ पे जो रेट होगा ना आर वो क्या हो जाएगा, वो होगा -1/2 है ना, 1/2 माइनस DCl2O7/dt। अब अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये लिखना पड़ेगा 1/2, तो लिखना पड़ेगा है ना। तो ये जब आप लिखते हो यहां से तो फिर आपका जो आंसर आ जाएगा, एक मिनट रुक जाओ भाई मैं इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूं। तो फिर ये आपका कितना आ जाएगा यहां से, तो यहां से ये कितना आएगा, जो आपका ये था ना उसको डिवाइड कर दो आप 2 से, तो ये आ जाएगा फिर आप जो 50 है ना 50 उसको जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 25। तो ये क्या आ गया, ये रेट ऑफ रिएक्शन आ गया जब आपने इसको क्या कर दिया था 2 से मल्टीप्लाई। अब इन्होंने कहा था कि आपको बताना टोटल प्रेशर आफ्टर 10 सेकंड, 10 सेकंड पे आपका टोटल प्रेशर कितना होगा, तो ये बात आपको बतानी थी। इसको हमें समझना भी है काफी अच्छे से कि क्या होगा है ना। फोर्थ पॉइंट, तो टोटल प्रेशर आफ्टर 10 सेकंड आपको बताना है। और अब देखो इसके 2 वाले मल्टीप्लाई वाला ही इक्वेशन लेके बतानी है, इसी के लिए ये बोला गया है। तो इसको कैसे निकालते हैं जी, देखना यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 2Cl2O7 है ना, और ये कन्वर्ट हो रहा आपका 4Cl2, 4ClO2 में एंड प्लस में 3O2 के अंदर, O2 गैस के अंदर, ये सारे गैस है। अब देखो T इज इक्वल टू 0 पे बात करें तो इसका इनिशियल प्रेशर P0 रहा होगा, ये 0 रहा होगा, ये 0 रहा होगा। अगर T इज इक्वल टू T पे बात करें तो ये हो जाएगा आपका P0 - 2P। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4P हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3P हो जाएगा। अगर टोटल प्रेशर की बात करें एट अ टाइम T तो वो कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर दो, यही तो आएगा ना टोटल, तो कितना आएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये आएगा P0 + 5P। कितना आ जाएगा, जो आपका टोटल प्रेशर होगा वो होगा P0 + 5P होता है, ठीक है। अब जो टोटल प्रेशर वो किसके इक्वल आ गया, यहां से देखिए है ना, पीटी फॉर्मूला क्या होता है भाई, पीटी इज इक्वल टू P0 - अब देखो यहाँ पे 2 है तो इसलिए 2KT, याद है ना, ये अपना फॉर्मूला होता है, पीटी इज इक्वल टू P0 - 2KT, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब आपको ये बताना है जी पीटी कितना है यहाँ पे ना, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी कितना है, तो वो किसके इक्वल आ गया, तो इसके जगह मैं ये पुट कर सकता हूँ यहाँ से, P0 - 2P = P0 - 2KT। तो यहां से हमारी जो वैल्यू निकल आएगी ना वो किसकी निकल के आएगी, पी की, ठीक है। यहां से जो वैल्यू आएगी वो किसकी आ जाएगी, पी की वैल्यू आ जाएगी। तो वो कितनी आएगी वो हमें देख लेना है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 -2 से -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पी जो आ जाएगा ना वो के टी के इक्वल आ जाएगा। पी जो आ जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, के टी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपको क्या बोला कि टोटल प्रेशर एट अ टाइम टी, तो पी नोट तो है ही है, बस अब पी की जगह के टी पुट कर दो, पी की जगह क्या पुट कर दो, के टी। पी नोट कितना गिवन था आपको, 600 गिवन था, प्लस में 5, के कितना हो जाएगा भाई, रेट कॉन्स्टेंट यही आएगा, और टाइम बोला कि 10 सेकेंड पे, टाइम कितने पे बोला है, 10 सेकेंड पे आपसे बोला है। जब आप इसको फाइनली सॉल्व करोगे तो ये जो आंसर आएगा वो आपका आएगा, देखो ये बनेगा 2500 250, और इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी फिर से, एंड ये सॉल्व कर लेना, ये आंसर आ जाएगा, हो जाएगा ना, ये देख लो भाई एक बार ध्यान से, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, या आपको लग रहा है कि इसमें कहीं पे कोई मिस्टेक है तो वो भी आप बता सकते हैं, मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई मिस्टेक है, बाकी फिर भी देख लो एक बार। इसकी जगह हमने ये पुट किया, पी नोट हमें पता था, -2KT रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, के की वैल्यू 50 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया था है ना। अब जो 5 था, जो पी थी, पी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई थी, इस तरीके से निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से हमसे जो फोर्थ में पूछा था वो अभी हम ऑलरेडी निकाल लेंगे। तो ये एक जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स का क्वेश्चन था जो मैंने आपको पढ़ाया था। छोटू गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माई क्लास, ठीक है। तो भाई आप है ना जल्दी जल्दी से आया करो क्लास में, और रेगुलर आओ, रेगुलर नहीं आते हैं आप में से, कुछ स्टूडेंट ही रेगुलर हैं। चलो
तो आज हम स्टार्ट करेंगे भाई फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स, ठीक है? आज हम फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। तो जीरो ऑर्डर का कल हमने डिस्कशन कर लिया था, तो आज है जी हमारी फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अगर आपको ये बात बोल दिए कि फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स है, इससे ये बात पता लग जाती है कि जो रेट ला एक्सप्रेशन आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, रेट कांस्टेंट इनटू में जो आपका रिएक्टेंट होता है उसकी पावर वन, ठीक है? तो इसको पहले तो आप ये लिख लीजिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम में, तो ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका फार्मूला, इसके ग्राफ, इसके करेक्टरिस्टिक्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और आपको जो रेडियो एक्टिविटी एक चैप्टर पढ़ाया जाता है, तो रेडियो एक्टिविटी का भी काफी हद तक रिलेशन यही होता है कि रेडियो एक्टिविटी भी एक फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स होती है, ठीक है? तो ये रहा, तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, वो क्या है, द रिएक्शन हुज रेट दी रिएक्शन हुज रेट द रिएक्शन हुज रेट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन हुज रेट्स डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट पावर, ठीक है? फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो उसे हम क्या बोल देंगे, फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स है। तो इसको भी उसी तरीके से डील किया जाएगा। कैसे? ये ए रिएक्टेंट है जी, ये आपका कन्वर्ट हो रहा है किसी पी प्रोडक्ट में, है ना? तो यहां पे टी इज इक्वल टू जीरो पे इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, ए नोट है, इनिशियली जीरो रही होगी। एंड टी इज इक्वल टू टी टाइम पे क्या हुआ होगा, ए नोट माइनस एक्स हो चुकी होगी, और ये आपका एक्स बनेगा, ठीक है? समझ में आई बात? अब उसके बाद यहां पे इस बात का हमें पता है कि यहां पे जो रेट होगा ना, रेट वो इक्वल होगा के इनटू में ए की पावर वन, है ना? इसी से तो पता लगेगा कि जो हमारा रेट है वो किसके इक्वल होता है, रेट इज इक्वल टू के इनटू में ए की पावर वन, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स है। अब देखो यहां से अगर बात करें इस इक्वेशन के लिए, अगर रेट की बात करें, तो रेट आप किस किस के इक्वल लिख सकते हैं, रेट आप लिख सकते हैं माइनस डीए बाई डीटी के इक्वल लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस डीपी बाई डीटी के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है? या फिर मैंने आपको ऑलरेडी सोल्व करवाया बताया हुआ है कि यहां से जब आप वैल्यू पुट करोगे ए नोट माइनस एक्स और फिर माइनस ए नोट करोगे, तो ये जो रेट है ये किसके इक्वल भी आ जाता है, ये आपका डीएक्स बाई डीटी के इक्वल भी आ जाता है। किसके इक्वल आ जाता है, ये आपका डीएक्स बाई डीटी, ये मैंने बार बार प्रूव करके बताया हुआ, तो इसको ज्यादा बार बार लिखने की जरूरत है नहीं। तो यहां से अगर देखें, तो देखो आपका जो रेट ला एक्सप्रेशन है उसके अकॉर्डिंग मैं यहां से बात करूं, तो जो dx by dt है वो किसके इक्वल आ गया, dx by dt रेट है, वो किसके इक्वल आ गया, k बोले रेट कांस्टेंट इनटू में यहां पे आपका a की कंसंट्रेशन। अब यहां पे टाइम t की बात की जा रही है, यहां पे किसकी बात कर रहे हैं, टाइम t की, तो वो कितनी आ जाएगी, इसको लिखेंगे a नोट माइनस एक्स। अब क्या करो यहां से देखो भाई, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, तो जो dx है उसके नीचे ले आओ a नोट माइनस एक्स, एंड जो k है वहां पे आप ले जाओ dt। वही काम यहाँ पे भी करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करो, जीरो से लेके एक्स लिखो यहाँ पे लेके जीरो से टी लिखो, इसका इंटीग्रेशन करो जैसे कि हमने पिछले मेथड में किया था जीरो ऑर्डर में वैसे ही। अब देखो वन बाई ए नोट माइनस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका होता है आपका एंटी लोग, ठीक है? वो क्या हो जाता है आपका, ये है ना एंटी लोग होता है वो, ये इसको देखो भाई एल एन एंटी लोग बोल देते हैं ये थोड़ा सा, ये रहा, इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो वो आएगा माइनस एल एन एंटी लोग ए नोट माइनस एक्स, ठीक है? ए नोट माइनस एक्स की पावर हम यहाँ पे करेंगे एक्स से जीरो, ठीक है? के का तो के कॉमन आ गया होगा, और यहाँ पे इसी का विद रिस्पेक्ट टू डी टी अगर आप इंटीग्रेशन करोगे वन का, तो वो टी आ जाएगा, तो टी से जीरो में। अब आपने पहले एक्स पुट किया होगा, तो यहाँ पे आ गया होगा एंटी लोग, है ना? एक्स पुट करने से यहाँ पे आया होगा ए नोट माइनस एक्स ही, एंड जब आपने जीरो पुट किया होगा तो यहाँ पे देखो माइनस तो ऑलरेडी है ही, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस एंटी लॉग ए नोट, और ये किसके इक्वल आ जाएगा जी, यहाँ पे के टी के इक्वल आ जाएगा। अब देखो भाई लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना, लॉग अगर ए माइनस बी होता है ना, लॉग अगर ए माइनस बी होता है तो उसे हम ए बाई बी लिख सकते हैं, तो यहां से ये लिखा जा सकता है एंटी लॉग। अब ये ए नोट पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो इसे लिख सकते हैं एंटी लॉग ए नोट ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका ए नोट माइनस एक्स, ठीक है? तो ये आपका एंटी लॉग हो गया जी यहां पे,
ये आपका एंटी लॉग हो गया यहाँ पे, और ये किसके इक्वल आ गया, आपका के टी के इक्वल आ गया, ठीक है ना, समझ में आ रही बात यहां से। तो एक फॉर्मूला तो आपका ये वाला बन जाता है इसके लिए, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स के लिए एक फॉर्मूला तो ये बन जाता है। अगर आप इस एंटी लॉग को लॉग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो एंटी लॉग ई एक्स होता है वो होता आपका 2.303 ये इनटू में लॉग एक्स बन जाता है, ये लॉग एक्स ये रहा। तो अगर आप एंटी लॉग को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लॉग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या करो यहाँ पे फाइनली, है ना, तो इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ से देखिए, तो इसको आप बना सकते हो, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पे, है ना, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे इस प्रकार से, यहाँ पे पुट करो, तो जो हमारा यहाँ पे पुट करने से क्या आएगा देखना, यहाँ पे 2.303 है ना, यहाँ पे हो जाएगा लॉग, यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा जी, ए नोट माइनस एक्स, और ये किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, ये के टी के इक्वल ही हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं के का फार्मूला निकाल लूं ना, रेट कांस्टेंट का फार्मूला, तो वो किसके इक्वल आ रहा है, के। यहां से देखिए दो तीन तरीके के फॉर्मूले इसके पढ़ने हैं हमें, और वो सारे बड़े काम के होते हैं, तो वो आ जाएगा 2.303, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, आपका टी हो जाएगा, यहाँ पे होगा लॉग, एंड ऊपर हो जाएगा आपका ए नोट, और नीचे हो जाएगा आपका ए नोट माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा आपका ए नोट माइनस एक्स। तो ये वाला फार्मूला के यहाँ पे है जो वो बेसिकली आपका रेट कांस्टेंट है, टी जो है यहाँ पे वो आपका टाइम है, ए नोट जो आपकी वो इनिशियल कंसंट्रेशन है, और ए नोट माइनस एक्स है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, ठीक है। तो एक फार्मूला ये है, इसी को कन्वर्ट करके मैंने ये वाला फार्मूला बना दिया है ना, समझ में आ रहा है क्या आपको, कमेंट करके बता दो भाई एक बार समझ में आ रहा है क्या। तो एक फार्मूला ये है जी, इसको आप एक्सपोनेंशियल की टर्म में भी लिख सकते हैं, अभी ध्यान से देखना, इसी को मैं एक्सपोनेंशियल की टर्म में लिखूंगा। देखो आपको ये भी पता है, अगर आपको एंटी लॉग को हटाना है तो एक और मेथड होता है एंटी लॉग को हटाने का, इसी से देखो, इसी से फर्स्ट से ही मैंने ये वाला फार्मूला निकाला है, इसी से मैं एक और फार्मूला निकालने जा रहा हूं, चलो नेक्स्ट स्लाइड में निकाल लेते। तो वो ये क्या है, अभी तक हमने क्या लिखा है कि एंटी लॉग यहां पे है ए नोट, और यहाँ पे है ए नोट माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी है। तो अगर अब आपको ये एंटी लॉग हटाना, तो आप सॉरी ये जो है आपका ये हटाना है अगर आपको, तो इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा यहाँ पे आपको। तो ये कैसे लेंगे भाई, देखो जैसे ही करोगे यहाँ पे इसको हटाओगे, ए नोट माइनस एक्स, और ये चला जाएगा ई की पावर के टी, ये क्या चला जाएगा जी आपका ई की पावर के टी चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से अगर लिखें तो यहां से क्या लिख सकते हैं कि ए नोट माइनस एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, देखो ए नोट माइनस एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, ए ए नोट इनटू में देखो ये नीचे आएगा, ए नोट बाई क्या होगा, ई की पावर के टी होगा। तो इसको अगर मैं ऊपर लेके आऊं तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं ई की पावर माइनस के टी। तो ये भी एक हमारे पास एक्सपोनेंशियल टर्म में अगर आप लिखना चाहो तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, इसी ए नोट माइनस एक्स को ए टी बोलते हैं, तो ए टी जो हो जाएगा वो होगा ए नोट इनटू में ई की पावर माइनस के टी। के का मतलब यहाँ पे रेट कांस्टेंट से होता है, टी का मतलब यहाँ पे टाइम से होता है, ठीक है ना। तो तीसरा फार्मूला हमारा ये भी आ जाता है अगर आपको बात करनी हो किसकी, ठीक है, तो वो ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फॉलो एक्सपोनेंशियल पैटर्न, ये यहां से ये पता लग रहा है कि ये एक्सपोनेंशियल पैटर्न को ही फॉलो करता है, ठीक है ना। और दूसरी बात एक और है यहां से, अगर आपको इसी फार्मूले से देखिए, अगर आपको चाहिए कि आप एक्स की वैल्यू निकालो, यहां से एक्स का मीनिंग क्या समझते हो, यहां पे एक्स का मीनिंग यहां पे वो होता है कि कितनी कंसंट्रेशन कम हुई है या कितना डिसोसिएशन हुआ, एक्स का मतलब तो वही है। अगर आपने इनिशियली ए नोट मोल लिए थे या ए नोट कंसंट्रेशन ली थी, अगर आप यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, देखो इस टर्म को यहाँ पे ले आओ पूरे को, तो एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी ना, इससे ए नोट को बाहर कॉमन आ जाएगा, ए नोट बाहर कॉमन, एंड ये आएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी, ये होता जी आपका एक्स। एक्स बोले तो यहाँ पे क्या है भाई, जो डिसोसिएशन हुआ है वो आफ्टर टाइम टी एक्स। तो ये हमारा फोर्थ फॉर्मूला हो गया, इन सभी का यूज करते हैं। तो देखो जैसा कि हमने पिछले में डिस्कस किया था जीरो ऑर्डर में, बाकी स्टूडेंट यार रिप्लाई नहीं दे रहे हो आप बिल्कुल भी, रिप्लाई जरूर दो, बताओ कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले तो ये फॉर्मूला आ गया था आपका,
उसके बाद हमने इसको लॉग के टर्म में भी कन्वर्ट कर लिया अगर करना चाहें, उसके बाद इसे एक्सपोनेंशियल टर्म में भी कन्वर्ट कर लिया, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ जाता है। इसके बाद एक्स की वैल्यू निकाली, तो हमें तो बेसिकली यही चाहिए ना कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, टी टाइम पे कितनी है, वो ये रही भाई आपका। अगर आपको बोला जाए कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम टी वो कितनी होगी, तो वो भी निकाल सकते हैं। वो किसके इक्वल, अरे वो एक्स के इक्वल ही तो है, यहां से देखो एक्स के इक्वल ही है, और एक्स की वैल्यू ऑलरेडी मैंने बता दी कि ये होगी। हाँ यस, सारे बच्चे इंटरेक्ट करें भाई, तभी जाके चीजें थोड़ी सी अच्छी होंगी, समझ में आएंगी। अब हम बात करते हैं भाई नेक्स्ट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, ये मैंने वहां पे भी बताया था और अभी यहां पे भी बता रहा हूं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब ये होता है कि कितने मोल डिसोसिएट हुए हैं, तो एक्स डिसोसिएट हुए हैं, और इनिशियली आपने कितने लिए थे, ए नोट लिए थे। अब इस एक्स की वैल्यू मैंने बताई अभी अभी कि ए नोट 1 - e की पावर - kt, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, ए नोट से ही, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपसे अल्फा की वैल्यू पूछी जाए, तो अल्फा किसके इक्वल आ जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो वो आ जाता है आपका 1 - e की पावर - kt, तो ये आपका अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अभी इसी में, इन इतने पॉइंट्स में मेरे हिसाब से किसी को कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये आपको बात समझ लेनी है यहां से। अगर आपसे रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ पूछा जा सकता है ना, कि बताओ भाई रेट का और टाइम का क्या कनेक्शन बनेगा, यहां से रेट का और टाइम का क्या कनेक्शन बनेगा। तो देखो अगर रेट की बात करें कि रेट किसके इक्वल आ जाएगा, रेट है ना, रेट एंड टाइम का क्या रिलेशन आएगा, तो हमें पता कि रेट किसके इक्वल होता है के इनटू में, यहाँ पे क्या आती है टाइम टी पे कंसंट्रेशन, वो ऑलरेडी हमने निकाल दी है। कितनी निकाली थी, वो ए नोट माइनस में e की पावर - kt, e की पावर - kt। तो ये बेसिकली आपके पास क्या आ जाता है, रेट का और टाइम का रिलेशन आ जाता है, तो ये भी एक फार्मूला बनता है। तो ये हमने कहाँ से निकाला है, ये फर्स्ट से ही निकाला है, क्योंकि हमें पता है कि जो रेट होता है वो किसके इक्वल होता है, के इंटू में e की पावर 1। अब यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी होती है टाइम टी पे, तो वो ए नोट माइनस सॉरी ए नोट इंटू में e की पावर - kt होती है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें पढ़ना है। तो कल हमने क्या क्या चीजें निकाली थी तो कल हमने क्या क्या निकाला था, तो कल सबसे पहले तो हमने ये निकाला था कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बताओ एट टाइम टी, वो हमने बता दी, निकाल लिया। अब दूसरी चीज जो कल आपसे पूछी गई थी फार्मूला में, जीरो ऑर्डर में भी हमने ना वो निकाला था लाइफ टाइम। वेरी गुड, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। लाइफ टाइम, लाइफ टाइम क्या होता है, मैंने आपको कल भी बताया था, जब कोई रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाती है तो उसे लाइफ टाइम बोलते हैं। और लाइफ टाइम की एक खास बात यह भी होती है कि यहां पे जो आपका एटी होता ना वो जीरो हो जाता है, फाइनल कंसंट्रेशन कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है रिएक्टेंट की, क्योंकि 100% कन्वर्ट करने का मतलब तो यही कि रिएक्टेंट बचा ही नहीं है, है ना, वही तो लाइफ टाइम है। अब एक बात यहां से देखना, अगर ये फाइनल कंसंट्र जीरो को ट्रेंड्स करेगी, यहां पे फार्मूला क्या पढ़ाया मैंने आपका, ए टी इज इक्वल टू ए नोट इंटू ई की पावर माइनस के टी, यही तो पढ़ाया हमने यहां से। तो देखो अब ये है, अगर आपने इस ए नोट ए टी को जीरो पुट कर दिया, अगर आपने ए टी को यहां पे जीरो पुट कर दिया, और ए नोट जीरो हो नहीं सकता, इनिशियल कंसंट्रेशन तो जीरो लोगे तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता, रिएक्शन ही नहीं हुई होगी, ये पूरा देखना ही गलत है। अगर आपने इनिशियल कंसंट्रेशन ही जीरो रखी है तो, है ना, रिएक्टेंट ही नहीं है कुछ, तो क्या बात करेंगे रिएक्टेंट के बारे में। तो ये है, लेकिन यहां से अब देखिए, ये कह सकते हैं कि अगर ये जीरो के हो गया ना, तो हम यहां से ये लिख सकते हैं कि ई की पावर माइनस के टी टेंड्स टू जीरो, क्या करेगा ये टेंड्स टू जीरो, और ये अगर टेंड्स टू करेगा, और ये जो टाइम है ना यहाँ पे, ये जो टाइम है वो लाइफ टाइम है। अब ये जो है वो लाइफ टाइम है, इसका मतलब अगर ये e की पावर माइनस के टी जीरो को टेंड्स कर रहा है, इसका मतलब जो टी है ना वो इनफाइनाइट को टेंड्स कर रहा है। टी किसको टेंड्स कर रहा है, इनफाइनाइट। इसका मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि जो फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स होती है ना, जो फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स होती है उसके लिए कभी भी लाइफ टाइम नहीं आता। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होती है। हाँ, वो 99.9% कंप्लीट हो सकती है, 100% कभी कंप्लीट नहीं होती है। आपको उसका कोई भी लाइफ टाइम देखने को नहीं मिलता फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स का।
थ्योरेटिकली है ये, ठीक है? तो यहाँ पे आप इस पॉइंट को जरूर लिखें, और काफी बढ़िया एक्सप्लेनेशन भी है भाई, मैंने आपको विद फार्मूला एक्सप्लेन कर दिया है सब की कैसे क्यों होता है ये। तो यहां से लिख सकते हो आप थ्योरेटिकली, तो यहां से आप लिख सकते हो थ्योरेटिकली थ्योरेटिकली लाइफ टाइम, थ्योरेटिकली लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, थ्योरेटिकली लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होता है, मैंने ये प्रूव भी करके दिखाया कि क्यों होता है ऐसा इनफाइनाइट। रिएक्शन इज कंप्लीटेड 99.9%, देन इट्स एज्यूम टू बी कंप्लीट। अगर वो सिर्फ 99.9% तक पहुंच जाएगी तो हम मान लेते हैं कि वो आपका कंप्लीट हो गई है, लेकिन कभी भी वो कंप्लीट नहीं होती है। इफ फर्स्ट 10% इज टाइम 10 मिनट, देन लास्ट 10% टाइम इज इनफाइनाइट टाइम। देखो इसमें एक बात ये भी होती है कि यहीं पे लिख लेते हैं इसके साथ ही। मान लो अगर आपका पहला 10% 10 मिनट में हुआ ना, इफ दी फर्स्ट 10% इन 10 मिनट, इफ द फर्स्ट 10% इन 10 मिनट, अगर पहला 10% अगर 10 मिनट में हुआ है, देन लास्ट 10% जो होता है ना, देन लास्ट 10% जो है वो आपका इनफाइनाइट टाइम में होगा। लास्ट 10% टेकन इनफाइनाइट टाइम, इनफाइनाइट टाइम वो लेता है आपका, इनफाइनाइट टाइम, ठीक है? ये रहा, तो चलो ठीक है, लाइफ टाइम तो नहीं निकाल सकते। इसके बाद एक और भी पढ़ना था हमें, है ना? लाइफ टाइम के बाद तो हमें एक तीसरा और पढ़ना था, वो तीसरा क्या पढ़ना था, वो था हाफ लाइफ टाइम। यस, ये इंपॉर्टेंट भी होता है इसके लिए, है ना? यहां से क्वेश्चन आए हैं, तो अब हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए कि हम हाफ लाइफ टाइम कैसे निकालते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम हाफ लाइफ टाइम कैसे निकालते हैं, जिसे हम टी हाफ बोलते हैं। हालांकि इसके तो मैं बहुत सारे टाइम पढ़ाने वाला हूं भाई, क्योंकि टाइम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि बताओ T99.9% कितना टाइम्स होता है टी आफ का फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। क्योंकि यहाँ पे चीजें वैसे नहीं होती जो जैसे हमने पढ़ा है जीरो ऑर्डर में, यहाँ पे बिल्कुल अलग चीजें आएंगी, अलग ग्राफ आएंगे सारे। तो लाइफ टाइम तो वही होता जब आपकी फाइनल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन का अगर हाफ हो जाए, तो उस दौरान जो टाइम होता है उसे हम टी हाफ बोल देते हैं, उसे हम टी हाफ बोलते हैं। अब फॉर्मूले में ये चीज पुट कर दो, तो फॉर्मूला क्या पड़ा जी आपका, के इज इक्वल टू 1 बाई, या जो यहाँ पे टी था 1 बाई टी कर दो, 1 बाई टी हाफ कर दो। एंड टी लोग, यहाँ पे ए नोट था, यहाँ पे ए नोट था, एंड अब देखो इसकी जगह क्या कर दो, ए नोट बाई टू कर दो, बस इसकी जगह क्या कर दो, ए नोट बाई टू। तो ए नोट से ए नोट कैंसिल, एंटी लॉग 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपका 0.693। कितनी होती है भाई इसकी वैल्यू, है ना? इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0.693, और इसको डिवाइड कर देंगे 1 बाई टी हाफ से। या फिर दूसरा यही है कि टी हाफ जो हो जाएगा ना यहां से, इसका मतलब देखना, कल जो मैंने आपको पढ़ाया था ना कि जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स का जो हाफ लाइफ टाइम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, बट फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स का जो हाफ लाइफ टाइम होता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस ऑर्डर का, है ना, किस ऑर्डर की रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम जो होता है वो डिपेंड ही नहीं करता है किस पे, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है? तो अब यहां से हम कुछ ग्राफ जरूर ड्रॉ करेंगे भाई, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको जीरो ऑर्डर के भी बताए थे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एनी रिएक्शन इज डेफिनेट फ्रैक्शन और परसेंटेज इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इनिशियल कंसंट्रेशन, दिस इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब हम चलते हैं जी ग्राफ की तरफ, कुछ ग्राफ बनाते हैं और समझते हैं एक एक ग्राफ का मीनिंग, और ग्राफ से आईआईटी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। मोर प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में मैं जरूर वो सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा, है ना? थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे ना एक बार, फिर उनके क्वेश्चन भी आने स्टार्ट हो जाएंगे, क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो मैं करवा भी पाऊंगा, ठीक है ना? तो वो मैं आपका करवा पाऊंगा, आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी।
देखिए क्या है, तो ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ रिलेटेड टू फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड ग्राफ क्या क्या है। तो सबसे पहला भाई, पहला जो ग्राफ बनाते हैं हम यहाँ पे वो कौन सा है, तो वो रेट वर्सेस टाइम का बना सकते हैं, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का बनाओ पहले तो, है ना। पहले किसका बनाते हैं यहाँ पे, पहले ग्राफ बनाते हैं रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। अब देखो यार, इसको तो कोई भी आराम से बिल्कुल बना सकता है। कंसंट्रेशन का मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो इस ग्राफ को कुछ ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं भाई, ये पहले, इसको तो वैसे सारे बच्चों को इसके बारे में होगा कि यहाँ पे है जी कंसंट्रेशन ऑफ रेट, लिख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे रेट लिख लेते हैं और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिख लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिख लेते हैं। अब आपको पता है कि जो रेट ला एक्सप्रेशन है वहां पे साफ साफ पता लग रहा है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो यहाँ पे बिल्कुल ये ग्राफ आ जाएगा। और इसके लिए अगर आप लिखोगे इसका रीजन, की रीजन ये है कि जो रेट होता है वो होता है के इंटू में ए की पावर वन, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साहब। इसका स्लोप पूछे कि इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, तो वो रेट कांस्टेंट हो जाएगा। चलिए सेकंड ग्राफ हम बनाते हैं। यस दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और मैंने इसके लिए आपको बकायदा डेरिवेशन भी लिखाया था कि रेट वर्सेस टाइम, अगर रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना हो तो वो बताइए क्या होगा। वैसे तो हमें पता है भाई, रेट जो है ना टाइम के साथ साथ डिक्रीज करता है, क्योंकि टाइम के साथ साथ क्या होता है ना, प्रोडक्ट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती जाती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोल देते हैं ये वाली बात, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल देते हैं। बट अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे फिर से हम वही लिखेंगे, यहाँ पे हमने लिखा है जी रेट को एंड यहाँ पे हमने लिखा टाइम को। अब मैंने आपको एक फार्मूला अभी लिखवाया था थोड़ी सी देर पहले कि जो रेट है ना वो किसके इक्वल आ जाता है, के, और यहाँ पे मैंने किया था ए नोट इनटू में ई की पावर माइनस के टी। तो आपको यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल टर्म आ रही है, क्या आ रहा है आपका ग्राफ एक्सपोनेंशियल, और इसका जो स्लोप आप देख पा रहे हो ना वो नेगेटिव है, इसका जो आप स्लोप देख पा रहे हो ना वो नेगेटिव है। तो इनिशियल जो रेट होता है ना, इसका इनिशियल रेट वो क्या रहा होगा, यहां से शुरुआत है वो वैल्यू रही होगी आपका के नोट, के ए नोट रही होगी, ये इसका इनिशियल रेट था, ठीक है। अब जैसे जैसे टाइम के साथ आप देख पा रहे हो कि माइनस के टी आ रहा है, क्या आ रहा है माइनस के टी, तो लगातार ये जो ग्राफ आएगा ना ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, ये जो ग्राफ आता है ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। लेकिन देखो मैंने यहाँ पे बिल्कुल है ना ये इसको मिलाया नहीं है, यहाँ पे मिला सकता ही नहीं हूं मैं, क्यों नहीं मिला सकता, क्योंकि कोई लाइफ टाइम आता ही नहीं है ना, लाइफ टाइम नहीं आता ये रहा। तो इसके लिए अगर पूछे कि ये ग्राफ कैसे बना दिया सर आपने, इसके पीछे का रीजन, तो इसके पीछे का रीजन ये है कि जो रेट होता है वो होता है के इंटू में ए नोट ई की पावर माइनस के टी। यहाँ पे स्लोप वगैरह पूछे तो वो भी आप इसलिए बिल्कुल बता सकते हैं कि क्या होगा। नेक्स्ट थर्ड ग्राफ बनाते हैं, समझते हैं, बहुत सारे ग्राफ बनाएंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो क्योंकि काफी अच्छे अच्छे ग्राफ्स हैं ऑलरेडी हमारे पास, तो वो यही बनाएंगे हम कि आपको बनाना है फाइनल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के साथ, ठीक है। तो अब है यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेंट एंड टाइम के बीच का आपको ग्राफ बनाना है। तो देखो यार, इसको भी बनाना है और इसको भी समझना है कि कैसे समझ सकते हैं इसको। तो ये देखिए यहां से, और ये हो गया यहां से इस प्रकार से। तो यहां पे लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, तो यहां पे लिख लो आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब कुछ और तरीके से भी लिखा जा सकता है, यहां पे आपका टाइम। देखो फॉर्मूला क्या कहता है, अपना फॉर्मूला जो फॉर्मूला पढ़ा है पहले वो देखो एक बार। तो फॉर्मूला तो ये पढ़ा है कि एंटी लॉग ए जो ये था आपका यहाँ पे, माइनस में क्या आ गया था ये ए टी, है ना, इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया था, ये के टी के इक्वल आ गया था, है ना, यही है। अब जो आप ग्राफ बना रहे हैं वो किस किस के बीच का बना रहे हैं, पहले ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि जो आप ग्राफ बना रहे हैं वो किस किस के बीच का। तो एक तो बना रहे, ये देखो एल एन एंटी लोग ए टी किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये होगा एंटी लोग ए नोट माइनस में के टी, है ना। अब ये आपका है वाई, ये आपका y इंटरसेप्ट है, y है सॉरी, ये y एक्सिस पे आएगा, ये टाइम x एक्सिस पे आएगा, दिस इज योर m, ये आपका m होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका c जिसे हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। इसका मतलब यहां पे स्लोप क्या आ रहा है, नेगेटिव। वैसे तो डायरेक्टली वाली ही रिलेशन है, बट स्लोप क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसलिए हम यहां पे दिखाएंगे। देखिए यहां पे इस पॉइंट पे इनिशियली है ना कोई क्या रही होगी, एंटी लोग ए नोट इनिशियल कंसंट्रेशन रही होगी, और टाइम के साथ साथ वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी,
टाइम के साथ साथ वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ये ग्राफ आप दिखा सकते हैं, इसका जो स्लोप आएगा, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या होता है आपका, वो माइनस एम होता है, सॉरी माइनस के होता है। ये बात भी आप जरूर ध्यान रखिए, रेट कांस्टेंट। इस प्रकार से आप बना सकते हो। किस किस का ग्राफ बनाया ये हमने, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, टाइम के साथ साथ वो आता है। उसके बाद और भी ग्राफ बनाया जा सकता है इसी का, कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देखो इस ग्राफ में और उस ग्राफ में डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है दोनों में, देखो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो एंटी लॉग के टर्म में बात कर रहे हैं, एंटी लॉग के टर्म में बात कर रहे हैं। अगर इसी ग्राफ को बनाना हो, वो दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है। अगर आप सिर्फ ए नोट, मतलब सिर्फ आप कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंटी लॉग की बात की जा रही है। अगर यहीं पे एक और ग्राफ बना के दिखाएं इसका, वो है आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पे स्पेशली मेंशन कर दिया है कि लॉगरिथम में नहीं होनी चाहिए वैल्यू, वो आपका लॉगरिथम में नहीं होनी चाहिए, एंड टाइम। तो एक और ग्राफ बनाते हैं इसी जैसा। अब ये वाला जो ग्राफ है ना, थोड़ा सा अलग आता है इससे, क्यों आता है देखिएगा। तो ये जो ग्राफ आएगा यहाँ पे, यहाँ पे है आपका कंसंट्रेशन, और अब जो कंसंट्रेशन है वो एटी की टर्म, मतलब कंसंट्रेशन है, लॉग में वैल्यू नहीं है, और यहाँ पे क्या है वो आपका टाइम है। तो यहाँ पे इनिशियली कोई ना कोई क्या रही होगी, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ही है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ही है ये। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ए नोट रही होगी, और टाइम के साथ साथ एक्सपोनेंशियली ये डिक्रीज करेगा, ठीक है, एक्सपोनेंशियली ये भी डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो ए टी होता है वो किसके इक्वल होता है, ए नोट ए की पावर माइनस के टी। तो इससे हम बोल सकते हैं, अगर यहाँ पे आपसे बिना लॉगरिथम में बात की जाए तो इस तरीके से निकाल देंगे। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का अगर आप पूछे भाई, है ना, यहाँ पे अगर आपसे पूछे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, उसका ग्राफ क्या बनेगा, तो वो तो इंक्रीज करेगी टाइम के साथ साथ, है ना। तो वो क्या करती है, एक्स की वैल्यू मैंने निकाल के बताई थी आपको, तो उसी से आपको ये बना देना। तो ये भी आएगा तो एक्सपोनेंशियल में, लेकिन ये इंक्रीजिंग ऑर्डर का आएगा। यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, एंड यहाँ पे आएगा आपका टाइम। इनिशियली प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या थी, इनिशियली प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जीरो थी, बट टाइम के साथ साथ वो इंक्रीज करेगा, बट टाइम के साथ साथ वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि एक्स किसके इक्वल बताया था मैंने, ए नोट इंटू में ए की पावर माइनस माइनस वन इंटू के टी। इस वजह से हम ये बात कह सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अगर छठा ग्राफ आपसे बनाने के लिए बोला जाए, वो किस किस के बीच में है, वो है आपका जी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसे अल्फा बोलते हैं, एंड टाइम के बीच में। तो टाइम के साथ साथ डिसोसिएशन तो इंक्रीज ही करता है भाई, टाइम के साथ साथ तो डिसोसिएशन इंक्रीज करता है, और ऑलरेडी अल्फा की वैल्यू निकाली हुई है मैंने। तो यहाँ पे है अल्फा और यहाँ पे है आपका टाइम, और ये भी जो आएगा ना वो एक्सपोनेंशियल आएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर का, एक्सपोनेंशियल आएगा और वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर का। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे अल्फा की वैल्यू वन हो जाएगी, है ना। और अल्फा की वैल्यू वन कब होगी, ये वो पॉइंट रहा होगा जब हमने जो हमारा जो टाइम है वो क्या रहा होगा, देखो लाइफ टाइम तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये जो टाइम है वो रहा होगा टी 99.9% को ही हम मान लेते हैं, ठीक है, जहां पे अल्फा की वैल्यू वन हो जाती है। ये ग्राफ पूछोगे कि कहां से आया, तो ये देखो ये ग्राफ यहाँ से आया, वन वन माइनस ई की पावर माइनस के टी। देखो आप कहोगे सर ये पॉजिटिव कैसे आ रहे हैं, यहाँ पे तो माइनस ही है, यहाँ पे देखो ये भी तो माइनस आ गया ना, यहाँ पे ये भी तो माइनस आ गया। और कैसा ग्राफ बना सकते हो भाई, यहाँ पे ये वाला ग्राफ भी इंपॉर्टेंट होता है आपका। तो इस ग्राफ में क्या है आपका, यहाँ पे ये ग्राफ बनाया गया टी हाफ लाइफ। ये ग्राफ किस किस के बीच में बनाया गया है, ये ग्राफ बनाया गया है टी हाफ लाइफ यानी कि टी 1/2 वर्सेस कंसंट्रेशन, वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन। आप बेसिकली यहां से लगा लो इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में ये ग्राफ बनाया गया ए नोट के बीच में। तो ये ग्राफ किसके लिए आता है ऐसा, तो ये ग्राफ क्या है, ये आएगा आपका कुछ ऐसा कि यहाँ पे वैल्यू क्या होती है कांस्टेंट, कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती है। हाफ लाइफ की वैल्यू जो है कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। क्यों नहीं करती, उसका रीजन आपको ऑलरेडी पता लग गया होगा, क्योंकि टी हाफ जो होता है ना वो उसका फार्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693, और इसको डिवाइड कर देते हैं के से, तो ये तो डिपेंड ही नहीं करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ थे मैंने जो बता दिए हैं आपको,
आपको ये आने चाहिए, इनका आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से ग्राफ है, किस किस तरीके से वैरी करते हैं। एक बार पूरा फर्स्ट ऑर्डर दोबारा से रिवाइज करवाता हूँ क्या क्या फार्मूले पड़े हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर की बात की ये था, ये फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है या अगर आपको कंसंट्रेशन निकालनी है टाइम टी पे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेकंड फार्मूला था जो आपको याद रखना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तीसरा जो है आप वो रेट का भी ध्यान रख सकते थे कि रेट कैसे वेरी करेगा टाइम के साथ, रेट का क्या रिलेशन आता है। उसके बाद लाइफ टाइम मैंने बताया कि इनफाइनाइट होता है, उसके बाद हाफ लाइफ मैंने पढ़ाया कि ये होता है, उसके बाद हमने पढ़े जी ग्राफ। तो सारे ग्राफ फॉर्मूले अगर आपको आते हैं ना और थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया है ग्राफ्स का तो आप इजीली क्रैक कर जाते हैं उस चीज को, मतलब ग्राफ बनाने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और मैंने आपको बताया था कि हमें किसी रिएक्शन का ऑर्डर कैसे पता लगता है, उसके लिए हम ग्राफ का भी ग्राफिकल मेथड का भी यूज करते हैं। तो ये भी बड़ा काम आएगा भाई ग्राफिकल मेथड, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि इसका आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। जैसा कि जीरो ऑर्डर में फॉलो किया था ना, वही सम स्पेशल केस जिनका हम यूज करते हैं जो फर्स्ट ऑर्डर के होते हैं भाई। तो सम स्पेशल केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, जो फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स होती है उसके कुछ स्पेशल केस डिस्कस करते हैं। स्पेशल केस तो नहीं, स्पेशल एग्जांपल आप बोलो, स्पेशल एग्जांपल, सम स्पेशल एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो सबसे पहला तो वही मैं आपको बता भी रहा था कि रेडियो एक्टिविटी और इसके फॉर्मूले काफी सिमिलर होते हैं। कई बार केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी के हेल्प से सोल्व हो जाता है। हाँ, थोड़ी सी टर्म्स, थोड़े से नेम चेंज हो जाते हैं, है ना। वहां पे जैसे हम नेम अलग यूज करते हैं, वहां पे जैसे रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन बोला जाता है ना, यहाँ पे हम सीधा रेट बोल देते हैं। वहां पे जो कांस्टेंट होता है, यहाँ पे रेट कांस्टेंट को हम के से दिखाते हैं, वहां पे लैम्डा से दिखा जाता है। वो थोड़ा सा है, इसके साथ ही पढ़ा देंगे वो चैप्टर भी, क्योंकि इसके साथ पढ़ाना आसान होता है वो। इसके बाद रेडियो एक्टिविटी पढ़ लेंगे अच्छे से। तो ऑल प्रॉब्लम पहला एग्जाम्पल है फर्स्ट ऑर्डर का। ऑल प्रॉब्लम रिलेटेड टू रेडियो एक्टिविटी, ऑल प्रॉब्लम रिलेटेड टू रेडियो एक्टिविटी से जो रिलेटेड प्रॉब्लम होती है इस फर्स्ट ऑर्डर, वो फर्स्ट ऑर्डर की होती है। रेडियो एक्टिविटी फर्स्ट ऑर्डर की ही आपका जो है काइनेटिक्स होती है। सेकेंड, यस दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, जैम 2000 में, हालांकि मैं इसकी एप्लीकेशन भी पढ़ाऊंगा भाई। देखो जीरो ऑर्डर की इतनी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन नहीं है जितनी फर्स्ट ऑर्डर की इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इस रेडियो एक्टिविटी पे भी क्वेश्चन आ चुका है केमिकल काइनेटिक्स को जोड़ के। देखो भाई रेडियो एक्टिविटी के हेल्प से पता किया जाता है, आपने सुना होगा क्या बोलते हैं उसे, आपने सुना होगा जैसे आपको पुराने पुराने जो मान लो प्लांट पेड़ हैं, अगर उनकी एज का पता करना है, इसे बोला जो जाता है, मुझे एग्जैक्ट नाम ध्यान में नहीं आ रहा, आप बताओ अगर आपको पता है तो, है ना। अगर हमें हजारों साल पुराने पेड़ का पता करना कि ये कितने साल पुराना रहा है ना, या फिर इसके मतलब आइसोटोप करके, आइसोटोप का भी यूज होता है, हालांकि उसमें ये भी यूज किया जाता है, तो उसमें हम इसका यूज कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड, इस सेकंड की एप्लीकेशन में डिटेल में पढ़ाऊंगा। इसके ऊपर जैम 2020 में क्वेश्चन आ चुका है भाई, जैम 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, और वहां पे कुछ ऐसा लिखा नहीं था कि ये किस ऑर्डर की काइनेटिक्स होती है। तो वही है कि एग्जाम्पल लिखवा दिए जाते हैं। तो ये है आपका ग्रोथ एंड डीके ऑफ बैक्टीरिया, ये बात याद रखना, ग्रोथ एंड डीके। हालांकि इसको एप्लीकेशन में मैं डिटेल में क्लियर समझाऊंगा। तो ग्रोथ एंड, है ना, ग्रोथ एंड डीके ऑफ बैक्टीरिया, जो आपका बैक्टीरिया होता है उसकी जो ग्रोथ है या फिर उसका डीके होता है वो भी फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स होती है। तीसरा जो पॉइंट है वो है आपका इन्वर्जन ऑफ केन सुगर, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट होता है आपका वो है आपका इन्वर्जन ऑफ केन सुगर का अगर आप इन्वर्जन करवा रहे हैं तो वो भी आपका फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स ही होती है। हालांकि देखो भाई इसमें थोड़ा सा एक और वर्ड आएगा आगे जाके, उसको भी समझेंगे क्या है। तो ये होता जी आपका सुक्रोज, केन सुगर इसी को बोलते हैं, 22 आएगा, सॉरी यहाँ पे C12 डेटिंग, हाँ कार्बन डेटिंग बोलते हैं शायद उसे, कार्बन डेटिंग, जब हम पुराने पुराने एज का पता करते हैं उसे कार्बन डेटिंग बोला जाता है, याद आ गया मुझे, ठीक है। C14 का यूज किया जाता है, रेडियो आइसोटोपी होता है वो भी एक प्रकार से। तो ये रहा जी वाटर,
इसकी रिएक्शन अगर आप एच पॉजिटिव के साथ करवाते हो तो ये सुक्रोज है। रिएक्शन करवाने से यहाँ पे एक तो आपको क्या बनता है ना, ग्लूकोज बनता है, और दूसरा क्या बनता है यहाँ पे, फॉर्मूला तो सेम ही होता बट फ्रक्टोज बनता है यहाँ पे। तो ये जो है ना इन्वर्जन ऑफ केन सुगर इज ऑल्सो है ना, तो ये ग्लूकोज बनता है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि सुक्रोज जो होता है ना वो डाइसेकेराइड्स होता है, केन सुगर से जो सुक्रोज निकलता है वो आपका डाइसेकेराइड्स होता है। और जब आप उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, जब आप उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में ब्रेक हो जाता है। जो आपका ग्लूकोज होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है एंड फ्रक्टोज लीवर रोटेटरी होता है, ठीक है, ये बात है। उसके बाद फोर्थ एग्जाम्पल है, वो भी एक बार जरूर देख लेते हैं, हालांकि ये एक भाई स्पेशल केस बनेगा आगे जाके, अभी के लिए तो इसे फर्स्ट ऑर्डर में काउंट कर लो, आगे जाके स्पेशल केस बनाएंगे। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एस्टर का अगर आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो वो भी फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स होती है। तो ये लिया जी आपने CH3, यहाँ पे O CH3 एस्टर है ना, हाँ CH3, ये COO एंड C2H5, अगर आपने इसकी रिएक्शन करवा दी है किसके साथ, वाटर के साथ, इन दी प्रेजेंस ऑफ एच पॉजिटिव, तो यहाँ से आपको क्या क्या मिलता है, एक तो आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा आपको क्या मिलता है, C2HO5, C2HO5। नेक्स्ट तीन चार एग्जाम्पल और, ये रिएक्शन ही ध्यान रखना भाई, कि जो आपका ये वाली रिएक्शन है ना, ये भी आपने पढ़ी होगी कहीं पे, ये जो डाइजोनियम सोल्ट होता है ना, ये जो आपका डाइजोनियम सोल्ट होता है N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ये भी जब आपका ब्रेक होता है किसमें, ये ब्रेक हो जाता भाई। देखो डाइजोनियम सोल्ट की कहानी थोड़ी सी ये है, पूरी रिएक्शन ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, ये इससे इसमें कन्वर्ट होना एंड N2 का बाहर निकलना, ये भी आपका फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स होती है। उसके बाद अगर मैं सिक्स्थ आपका एग्जांपल लिखूं यहाँ पे है ना, वो है 2N2O5। ये याद, ये देखो ये याद होंगे नहीं लेकिन ध्यान में रखना, माइंड में रखना कि ऐसा कुछ होता है। तो ये है जी आपका 4NO2 एंड प्लस में क्या हो जाएगा आपका, O2 गैस, ठीक है। अगर सेवंथ पॉइंट की बात की जाए तो 2H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जब वो ब्रेक होता है किसमें, 2H2O में, 2H2O में एंड प्लस में O2 गैस के अंदर, तो ये भी जो होती है ना ये सारी फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स होती है। अब कहोगे सर आपको कैसे पता लगा, एक्सपेरिमेंटली इन बातों का पता है, बुक में ये लिखी हुई है और ये बिल्कुल करेक्ट भी होती हैं, ऐसा नहीं कि ये इनकरेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है ना, इसमें आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं बड़े फेमस, स्पेशली इन दोनों के ऊपर ऑलरेडी काफी बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है ना पूछा जा चुका है इन दोनों के ऊपर। तो ऑलरेडी बैक्टीरिया के ऊपर जैम 2020 में ही क्वेश्चन आया था, एंड रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था है ना, केमिकल काइनेटिक्स से आप बिल्कुल उसे जोड़ सकते हैं, वो आपका जैम 2015 के अंदर आया था। दोनों ही इंटीजर टाइप के क्वेश्चन, बड़े अच्छे क्वेश्चन थे, दोनों का डिस्कशन भी करूंगा मैं, आप सभी को पता है कि हम प्रीवियस ईयर तो पढ़ते ही हैं साथ के साथ में। चलो अब हम आगे बात करते हैं सम इंपोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स, जैसा हमने पढ़ा था किसके अंदर है ना, जैसा हमने पढ़ा था किसके अंदर पढ़ा था, फर्स्ट जीरो ऑर्डर के अंदर, सम इंपोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अगर आप फर्स्ट ऑर्डर की बात करोगे, फर्स्ट ऑर्डर की अगर आप बात करोगे तब वहां की बात की जा रही है, सम इंपोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ये क्या क्या होते हैं जी, समझते हैं इनको। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जीरो ऑर्डर में क्या लिखवाया था, जीरो ऑर्डर में ये लिखवाया था कि अगर 10% 10 मिनट में हो रहा है ना, तो अगला 10% भी 10 मिनट में ही होगा, बट यहां पे ऐसा नहीं होता, यहां पे ऐसा नहीं होता, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इक्वल की स्पेलिंग थोड़ी सी ठीक लिख लेते हैं, इक्वल है ना, ठीक लिखने के बाद कौन सी ठीक लिख दी, तो इक्वल इक्वल है ना, यार विल बी इक्वल फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज, इक्वल फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज, ठीक है, विल रिएक्ट इन इक्वल टाइम इंटरवल, विल रिएक्ट इन इक्वल
टाइम इंटरवल, क्या मीनिंग बनता है इस बात का? इक्वल फ्रैक्शन ऑफ परसेंट, फ्रैक्शन वर्ड यूज कर दिया, वहां पे इक्वल था यहां पे इक्वल फ्रैक्शन, इसका मीनिंग क्या होता समझिएगा। मान लो अगर आपके पास इनिशियली 100 है, तो अगर आपका 10% 10 मिनट में हुआ है, ठीक है 10% 10 मिनट में हुआ, तो अब कितना बच गया होगा? 90 बच गया होगा, 90। अब जो अगला 10% होगा ना, अगला जो 10% जो है बेसिकली, वो आपका होगा तो 10 मिनट में ही, लेकिन अब जो ये फ्रैक्शन इसका लेना पड़ेगा 90 का, यहां पे देखो 100 का फ्रैक्शन लिया 10 आया, अब 90 का फ्रैक्शन लोगे तो 9, अब यहां पे 81 मिलेगा, अब यहां पे 81% बचेगी। अगला जो 10% होगा वो होगा तो 10 मिनट में ही, लेकिन वो अब 81 का 10% लोगे, तो 81 का 10% कितना होता है? 8.1। 81 में से 8.1 माइनस करोगे तो 72.9 आ जाएगा, 72.9। इसका मतलब क्या कि इक्वल फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज। देखो यहां पे भी 10% था, फ्रैक्शन इक्वल यहां पे बताई गई है कि इक्वल फ्रैक्शन की बात यहां पे होती है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप समझिएगा कि क्या समझाने की बात की जा रही है ना। इसका मीनिंग ये है, मान लो दूसरे तरीके से एक छोटे से एग्जांपल से और समझ लेते हैं भाई। इनिशियली अगर आपके पास 5 है और ये बोला गया है कि 10 मिनट में, है ना, 10 मिनट में जो है वो आपका है 10% हो गया तो 45। अब अगर आपसे बोले कि अगली 10% में, अगली 10 मिनट में बताइए कि वो कितना होगा, तो इसका 10% लेना पड़ेगा। 45 में से 45 में से 4.5 माइनस करने पड़ेंगे, यानी कि 40.5 बचेगा। अब यहाँ पे कहने का मीनिंग ये है, यहाँ पे समझ में आ रहा है। उसके बाद जीरो ऑर्डर में मैंने ये बताया था कि अगर आप इनका जो प्रोग्रेस होती है इस तरीके से, वो एपी में होता अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, वो जीरो ऑर्डर के अंदर था। फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा नहीं होता है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर टाइम टी, क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर टाइम इंटरवल फॉर्म ए जीपी, लेफ्ट आफ्टर ए टाइम इंटरवल फॉर्म ए जीपी। जीपी बोले तो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी आपका जियोमेट्रिक, इसको क्या बोलते हैं भाई पता नहीं, जीपी ये भी एक प्रोग्रेशन होता है। यहां पे रेशो सेम होता है, वहां पे डिफरेंस सेम था, यहां पे रेशो सेम होता है। इसके अंदर मैथ की टर्म होती है जीपी भी, मैं देख लेता हूं भाई जीपी को क्या बोलते हैं, शायद तो है ना जी से ही रिलेटेड होता है कुछ, क्या इसको बोला जाता है, एक मिनट मैं चेक करके आपको बिल्कुल लिखवा भी देता हूँ। थोड़ी सी है तो मैथ की टर्म, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, बिल्कुल जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बोला जाता है इसे, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इसे, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ जी? देखो अगर मैं बात करूं आपसे कि टी इज इक्वल टू 0 पे आपकी कंसंट्रेशन कितनी होती है, तो वो तो ए नॉट होती है। अगर मैं बात करूं टी इज इक्वल टू टी पे कितनी होती है, तो आप कहोगे ए नॉट माइनस ई की पावर के टी होती है, ये है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि टी इज इक्वल टू 2t पे कितनी होती है, तो आप कहोगे ए नॉट माइनस में ई की पावर -2kt होती है। इन दोनों को डिवाइड कर लो तो डिफरेंस कितना आ रहा है, ई की पावर -kt आ रहा है। इन दोनों को डिवाइड कर लो, ई की पावर -kt आ रहा है। तो यहाँ पे होता क्या है ना बेसिकली, ना ई की पावर -kt नहीं आएगा, शायद +kt आएगा भाई, आप डिवाइड करोगे तो। रेशो सेम होता, कहने का मतलब यहाँ पे +kt आता, सॉरी प्लस, रेशो सेम होता है इसके अंदर, रेशो, ठीक है। तो ये बात भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है, समझना है कि क्या कहानी होती है यहाँ पे इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपका रेशो सेम रहता है। उसके बाद फोर्थ, थर्ड पॉइंट है इसका, थर्ड पॉइंट इसका क्या कहता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, वो यही कहता है कि जो हाफ लाइफ टाइम होता है, हाफ लाइफ टाइम इज इंडिपेंडेंट, हाफ लाइफ वहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था बट इसका इंडिपेंडेंट होता है। हाफ लाइफ टाइम इज इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता नहीं है उसका हाफ लाइफ टाइम, है ना। एंड फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, रेट चेंजेस विद कंसंट्रेशन एज वेल एज टाइम एंड डिक्रीज एक्सपोनेंशियली। फर्स्ट ऑर्डर का जो रेट होता है ना, वो टाइम और कंसंट्रेशन दोनों के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। वो दोनों के प्रूफ भी मैंने दिए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर के लिए कि जो रेट चेंजेज विद कंसंट्रेशन एज वेल एज टाइम, कंसंट्रेशन एज वेल एज टाइम एंड डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली, एंड डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली। ठीक है जी, ये है। अब भाई है तो अब एक मैं छोटा सा आपको क्वेश्चन देता हूं यहां पे, एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं छोटा सा, ठीक है। एंड उसके बाद फिर और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर भी कंप्लीट नहीं हुआ भाई, वैसे तो आगे है ना, थोड़ा सा बताएंगे सेकंड ऑर्डर के बारे में भी और nth ऑर्डर के बारे में भी, लेकिन जो फर्स्ट ऑर्डर है फिर उसकी एप्लीकेशन है। अब इस पूरे चैप्टर में फर्स्ट ऑर्डर की एप्लीकेशन ही चलनी है बस, ठीक है। सेकंड ऑर्डर और nth ऑर्डर बताएंगे जरूर आपको, लेकिन पूरे चैप्टर में फर्स्ट ऑर्डर की एप्लीकेशन ही चलनी है अब यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये बात आपको बता दी है, इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है आपके पास। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज 8 मोलार, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, इज 8 मोलार, ठीक है। विच चेंज विच विद चेंज इन कितनी हो गई चेंज, 2 मोलार हो गई इन 40 मिनट, 40 मिनट में वो 8 से 2 हो गई। आपसे बोला गया है यहाँ पे क्या क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले रेट फाइंड आउट करके बताइए, सेकंड आपको जो फाइंड आउट करके बताना है यहाँ पे, सॉरी सबसे पहले आपको के की वैल्यू, रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू बतानी है, उसके बाद हाफ लाइफ टाइम बताना है आपको, हाफ लाइफ टाइम। एंड तीसरा जो पॉइंट बताना, वो आपको ये बताना है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ना आफ्टर 60 मिनट, आफ्टर 60 मिनट। ये एक क्वेश्चन है छोटा सा, इजी सा क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करना तो कैसे करेंगे। देखिए भाई, वैसे तो आगे जाके मैं इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूँ, आगे जाके बताऊंगा, ठीक है। इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही शॉर्ट ट्रिक होती है, एंड देखना कोई फॉर्मूला वर्मूला यूज ही नहीं किया जाता। अभी के लिए तो मैं थोड़ा सा लेंथी मेथड यूज कर रहा हूँ जो फॉर्मूला वाला है, क्योंकि उसकी एप्लीकेशन इनिशियल कंसंट्रेशन ये है, फाइनल कंसंट्रेशन कितनी हो गई यहाँ पे 2, टाइम कितना यहाँ पे 40 मिनट। सब कुछ अब आपके पास गिवन है यहाँ पे, सब कुछ अब यहाँ पे आपके पास गिवन है। अगर इसको देखें तो यहाँ से देखिएगा कि जो के है वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 1/T, यहाँ पे एंटी लॉग है ना, ए नोट, और इसको डिवाइड करेंगे 80 से। अब ए नोट की वैल्यू भी आपके पास है, 80 की भी वैल्यू आपके पास है, टाइम की भी वैल्यू है, एंटी लॉग सोल्व करेंगे तो यहाँ से जो के की वैल्यू आ जाएगी, देखो तो के की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपका 0.03465 पर मिनट, और पर मिनट में आनी भी चाहिए, इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, सब कुछ आपको गिवन है। हाफ लाइफ टाइम कितना आ जाएगा दी, हाफ लाइफ टाइम किसके इक्वल होता है, हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू 0.693, और इसको डिवाइड कर देंगे 0.0345 से, तो सोल्व कर लेंगे तो लगभग बताया जा रहा है कि 20 मिनट आ जाएगा, 20 मिनट आ जाएगा। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे जी, कंसंट्रेशन, अब बस कंसंट्रेशन आपको क्या करनी है। अब देखो आपके पास जो फार्मूला था वहां पे, तो फार्मूला क्या होता जी, एंटी लोग ए नोट बाई ए टी, एंड किसके इक्वल हो जाता, के टी के इक्वल। अब देखो टाइम आपको बोल दिया कि 60 है, टाइम आपको बोल दिया 60 है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन आपके पास ऑलरेडी है, और ये या इससे जाना, इससे एक्सपोनेंशियल से जाना आसान होगा, ए टी इज इक्वल टू ए नोट माइनस ई की पावर के टी, ए नोट है ना, के और टी भी है, यहां से सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा, और जब आप सोल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 1, आप कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है।
तो ये थी जी हमारे फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स, उसके कुछ फॉर्मूले, एंड आगे डिस्कस करेंगे और भी फर्स्ट ऑर्डर का, स्पेशली लाइफ टाइम जो इसका जो टाइम होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपसे थोड़ी सी देर बाद ही मुलाकात होगी, और उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर को काफ़ी अच्छे से कंप्लीट करेंगे, फिर एक बार सेकेंड ऑर्डर और nth ऑर्डर को भी देखेंगे, एंड फिर हम एप्लीकेशन पर दोबारा से आएंगे फर्स्ट ऑर्डर। अभी के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।